गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम साइंस में चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब यह है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको ये बतानी है, किसी मिलकर गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। इसको हम इस तरह कि उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह दर्शाते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर ऋणायन का निर्माण होता है और साथ में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त ऊर्जा। तो यहाँ पर जो मुक्त ऊर्जा हुई है उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाएगा। और अब हमें इसकी आवर्तता के बारे में बताना है कि आवर्त और वर्ग में ये किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार जो है छोटा होता है और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ेगा और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो प्रभावी नाभिक की आवेश का मान कम होने की वजह से इसका मान घटेगा। तो इसमें ये बताना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी आती है तथा प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। अब ये जो है ये आवर्त के बारे में है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश में कमी के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है।
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत ऋणता के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का अर्थ यह है कि यदि दो समान परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन जो है दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित होते हैं, और यदि सहसंयोजक बंध दो अलग अलग तत्वों के बीच में बनता है तो जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन है उनको कोई एक परमाणु अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर लेता है। इस गुण को विद्युत ऋणता कहा जाता है कि जैसे यदि समान परमाणु है जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर सहसंयोजक बंध बन रहा है तो ये दोनों परमाणु समान है तो साझे वाले इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, और यदि यही बंध अगर दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में बनता है तो साझे वाले इलेक्ट्रॉन जो है कोई एक परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इस गुण को विद्युत ऋणता कहा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन परिभाषा है वो इस प्रकार से होगी कि दो असमान परमाणु यदि सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हो तो साझे वाले इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है इस गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। तो साझे वाले इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना का जो गुण है वो विद्युत ऋणता कहलाएगा। विद्युत ऋणता जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। फिर इसी के साथ में कि सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला जो तत्व है वो है फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता का मान किसका है? फ्लोरीन का है। ये सहसंयोजक बंध में से साझे वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है तो इस गुण को विद्युत ऋणता कहा जाता है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयोजकता।
संयोजकता। संयोजकता का अर्थ यह होता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अधिकतम 8 होनी चाहिए उसे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं है तो वो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो या तो दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है या दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है। तो बाह्यतम कोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, चाहे वो किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, तो इस गुण को या वो जो संख्या इलेक्ट्रॉनों की उसको उसकी संयोजकता कहा जाता है। तो संयोजकता की परिभाषा यह है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। वह उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो जैसे सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8-1। ये इसका बाह्यतम कोष है, इसके बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए जो है 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से ग्रहण करे। तो इसके लिए आसान ये रहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे दे, इसलिए सोडियम की जो संयोजकता है वो 1 होगी। इसी प्रकार से यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी दूसरे परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। तो यदि वो किसी दूसरे परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वो उसकी संयोजकता कहलाती है। 18वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 0 होती है क्योंकि उन तत्वों का जो अष्टक है वो पूर्ण होता है, इसलिए वो न तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को देंगे और न लेंगे, इसलिए उनकी जो संयोजकता है वो 0 होती है। संयोजकता में ही 18वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 0 होती, 0 होती। वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1 व 2 होती, यानी पहला वर्ग है, पहले वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है और दूसरे वर्ग में आने वाले जितने भी तत्व है उनकी संयोजकता 2 है। इसका कारण यह है कि एक ही वर्ग के अंदर जितने तत्व आते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखा जाता है तो इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आती है, इसलिए इनकी संयोजकता भी समान आती है। फिर उसके बाद में वर्ग संख्या 13 से लेकर
17 तक जो पी ग्लोब के तत्व है वर्ग संख्या 13 से लेकर 17 तक इनकी जो संयोजकता है वो 1 से लेकर 7 तक, पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ेगी फिर वापस 4 के बाद में घटेगी, ठीक है। तो वर्ग संख्या 13 से लेकर 17 तक जो तत्व है उनकी संयोजकता पहले बढ़ेगी फिर बाद में वापस कम होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे तत्व है जिनकी संयोजकता 1 से अधिक होती है उसको परिवर्ती संयोजकता कहा जाता है, परिवर्ती संयोजकता। तो परिवर्ती संयोजकता का मतलब यह है कि कुछ तत्वों की संयोजकता, कुछ तत्वों की संयोजकता 1 से अधिक होती है। इसे परिवर्ती संयोजकता कहा जाता है, इसे परिवर्ती संयोजकता कहा जाता है। तो परिवर्ती संयोजकता कौन कौन प्रदर्शित करते हैं? डी ब्लॉक तत्व, लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड, ये जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है संयोजकता के बारे में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो है और धात्विक और अधात्विक गुणों की आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे।